अलीगढ़ में श्री राधा रमण गौसेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित श्री राम कथा में रविवार को ब्यास ब्रज रसिक धनवंतरी ने राम की महिमा एवं रामचरितमानस के महात्म्य का संगीतमय वर्णन किया। इस दौरान भजनों पर श्रद्धालु जमकर झूमे। कथा में यजमान नर्मदा देवी, ओम प्रकाश राठी परिवार, रविन्द्र कुमार जिंदल, नीरज बंसल, कुलदीप गुप्ता, राम कुमार साधनी, विजय पचीसिया, राजेश झा शामिल हुए। आयोजन में गोपाल वैष्णे, उमेश उप्पल, मधुर राठी, अंकित वर्मा, पंकज जैन, शुभश्री, डॉक्टर वेदवती राठी आदि का सहयोग रहा। राधा रमण गौसेवा समिति के तत्वाधान में श्री राम कथा का पावन आयोजन गौ संवर्धन के हेतु किया जा रहा है। उसका द्वितीय दिवस की कथा में ब्रज रसिक श्री धन्वंतरी दास जी द्वारा जो वाचन किया गया उसमें गुरु नाम की महिमा एवं श्री रामचरित मानस के महत्व पर प्रकाश डाला गया। आज के उसमें मुख्य जजमान एवं सहजमान परिवार के अलावा श्री राम कुमार साधानी जी का परिवार एवं श्री विजय पचीसिया जी का परिवार एवं प्रमुख उद्यमी श्री राजेश झा जी का परिवार आदि गणमान्य दैनिक जजमान के रूप में उपस्थित रहे। देखिए, राम कथा का ये जो आयोजन चल रहा है ये आगरा रोड स्थित श्री राधा रमण गौशाला परिसर में चल रहा है और केवल गौ भक्तों को जोड़ने के प्रयास के लिए इस तरह का गौ संवर्धन के कार्यक्रम के लिए इस तरह के कथा के आयोजन इस गौशाला परिसर में आयोजित किए जाते हैं। श्री राधा रमण गौशाला हरिगढ़ महानगर की समस्त लावारिस, घायल, दुर्घटनाग्रस्त, बीमार गौवंश की सेवा में एक आवासीय चिकित्सा केंद्र है। यहाँ नगर में जो भी घायल, लावारिस, घायल गौवंश मिलता है उसका मौके पर इलाज इस गौशाला के माध्यम से किया जाता है। अगर स्थान पर उसका चिकित्सा संभव नहीं है तो उसको यहाँ पर जीवन पर्यंत उसकी सेवा यहाँ पर एडमिट करके की जाती है। इस तरह की यह सेवा है इस राधा रमण गौशाला में और शहर के सभी भक्तों द्वारा इस गौशाला का संचालन होता है। सरकार का भी अनुदान हमें बड़ा ही नाके बराबर प्राप्त होता है, जो ऊंट के मुँह में जीरे जितना ही है। सरकार से भी हमारा निवेदन है कि इस अनुदान में थोड़ी बढ़ोतरी करें। जिस तरह से दवाओं के, भूसे के, चारे के दिन प्रतिदिन पैसे बढ़ते जा रहे हैं उससे गौशालाओं के संचालन करने में काफ़ी हम लोगों को परेशानी महसूस हो रही है और हमारा हरिगढ़ महानगर की सभी गौ भक्तों से भी निवेदन है कि सभी लोग कम से कम एक गौवंश को गोद लेने का संकल्प लें, एक गौवंश को गोद लें। निश्चित कोई भी लावारिस गौवंश हमें सड़क पर नज़र नहीं आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय गौ माता की, जय जय श्री राधे।